की नगरी काशी विश्वनाथ वाराणसी में। यहाँ हम आपको दर्शन कराएंगे काशी विश्वनाथ जी के। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे आज आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ से प्रसाद लेना है और किस तरीके से दर्शन करना है। तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है गोडबोलिया WS पार्किंग। यहाँ पे आपको अंदर का कुछ नजारा कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, बहुत ज्यादा भीड़ है और कुछ ये वाला आपको व्यू पीछे को देखने को मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, देखते हैं दर्शन कैसे करेंगे और कितनी ज्यादा भीड़। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अगर आप ऑटो से चलेंगे तो ऑटो का तो आपको 100 to 200 rupees देना पड़ेगा, अदरवाइज आप शेयरिंग में जाएंगे तो 20 to 30 rupees आपको देना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे पैदल ही जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप पैदल जाते जाते यहाँ की गलियाँ भी देख लेंगे और यहाँ की भीड़ भी देख लेंगे। इसके साथ ही आपको बहुत कुछ मार्केट भी देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये मार्केट यहाँ पर बना रखी है बहुत ही बढ़िया, ये देखो भाई, मुझे तो यहाँ की मार्केट भी बहुत अच्छी लगी। अंदर चलेंगे सबसे पहले हम, और यहाँ हम आ चुके काशी विश्वनाथ द्वार पर जो कि पहला गेट है। टोटल 4 गेट है और इसी गेट से आपको अंदर एंट्री करनी है। दोस्तों आप लोग मेरे पीछे भीड़ जो देख ही रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, यहाँ पर ना बहुत सारे लॉकर्स बना रखे हैं दुकानदारों ने। आप लोगों को कहा जाएगा कि आप अपना पर्स अपना मोबाइल फोन अंदर जमा करा दें, तो मैं आपको उनके लिए भी एक बात बोलना चाहूंगी, यहाँ पर आप किसी पर भी भरोसा ना करें। मंदिर में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, पर्स ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं, कोई भी सामान अलाउड नहीं है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि हम अपना सामान कहाँ पर सुरक्षित रखेंगे वो हम आपको दिखाएंगे, तो आप भी वही करिएगा। चलिए दिखाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये लाल कल्याण। और यहाँ पर हमने फूल ले लिया है, यहाँ पे डाल दिया बेलपत्र और ये यहाँ पे ले लिया प्रसाद। तो भैया कितने रुपए का बन के तैयार हुआ है ये? दोनों मंदिर का 350 का। तो ये हमारा प्रसाद बन के तैयार हो गया, कितने रुपए का भैया? 250 का। इसमें क्या क्या है जरा बताएंगे? इसमें बेलपत्र है, माला है, प्रसाद है, पास में। तो गेट नंबर 4 मैंने आपको दिखा दिया था, और गेट नंबर 4 के अंदर से ही ये गलियां गई है छोटी छोटी की, छोटी छोटी सी, और यहाँ पर हमने ले लिया, हम ले लिया प्रसाद। हम जाएंगे अब मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के लिए वहाँ पे मोबाइल अलाउड है या नहीं वो सब हम आपको दिखाएंगे। आपको फोन कहाँ जमा करना है ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो में रास्ता जरूर बने रहिएगा, इस रास्ते से जाने के 5 to 6 minutes आपको लग जाएंगे। बनारस की गलियाँ बहुत छोटी छोटी सी है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में। जाइए जाइए। और आपको एक बार बता दें, वैसे तो प्रसाद डलिया में मिलता है, लेकिन क्या करें उनको दुकान बंद करनी थी, शाम क्यों हो रहे हैं साहब, हमें दिया है इस पॉलिथीन के अंदर, क्योंकि हम अपने घर आगरा भी लेकर जाएंगे। तो भाई धीरे धीरे आ रहे हैं, ये देखिए छोटी छोटी सी दुकानें हैं यहाँ पर। और आपको एक और बार बताना चाहूँगी, हर गली में आपको कुछ मंदिरें मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको पूजा का सामान भी मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पे संकट मोचन का मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फाइनली हमने गेट के अंदर एंट्री कर ली है, चलिए आपको दिखाते हैं। हर हर महादेव, एक बार कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूले, एक बार हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाइएगा। ये देखिए पीछे मंदिर, हर हर महादेव, एक अलग ही वाइब है दोस्तों यहाँ पे, मतलब इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, यहाँ के कड़ कड़ में शिव जी हैं, हर हर जगह पे शिव जी हैं। देखिए पीछे की दीवार है। आइए आज के ब्लॉग में जो हमें सपोर्ट कर रही है ना, वो है वाराणसी की प्रज्ञा। हाय प्रज्ञा। हेलो। ये लो जी, इन्हें पहचान लो, इनका भी पेज है, फॉलो बता दो जरा अपना पेज। मेरा पेज है आई फूडी प्रज्ञा से, तो सारे लोग वहाँ पे जाके फॉलो करना, फॉलो करना। और ये देखिए जी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, मतलब ये लोग सुबह से लेकर के शाम तक इसी तरीके से लाइन में लगे रहते हैं। यहाँ पर मैंने आंटी जी से पूछा, आंटी जी कितनी देर के आए हुए हो आप, तो बोलते हैं हम बेटा सुबह के आए हुए हैं, इसी तरीके से लाइन पर लाइन लगी रहती है, सुबह से लेकर के शाम हो जाती है लोगों को लाइन में लगते हुए, तब जाकर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन मिलते हैं। सामने ही आपको गंगा जी के दर्शन मिल जाएंगे, हम आपको वो भी दिखाएंगे। Thank you.
मेरे पीछे आप लोग भीड़ देख ही रहे हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम जा रहे हैं VIP दर्शन के लिए, तो भाई बहुत भीड़ है। और ये देखो जी कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब लोग लाइन से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बस आपका फोन जो है ना दोस्तों वो यहीं तक अलाउड रहेगा, यहाँ से एंट्री है अंदर और मंदिर की, और ये मेन मुख्य द्वार है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपको अपना फोन कहाँ जमा करना है। आइए, कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, आपको अपना फोन इधर ही जमा करना है, उसके बाद दुकान पे नहीं जमा करना है। हर महादेव मेन गेट है यहाँ का, ये जो गोल्ड गोल्ड आपको दिख रहा है ये है हमारा सोने का मंदिर, ये पूरा सोने का बना हुआ है। ये देखिए ये लाइट नहीं है दोस्तों, ये पूरा सोने का गोल्ड का बनाया गया है शिव जी का मंदिर, और इसी के अंदर विराजमान है हमारे शिव शंकर महादेव। तो दर्शन हो गए हैं बहुत प्यारे, और यहाँ हमें मिले हैं फूल और प्रसाद। हम जा रहे हैं अब आपको यहाँ का घाट दिखाने के लिए। एक और वीडियो में जोर से बोलेगा हर हर महादेव। कितने बड़े बड़े दरवाजे हैं यहाँ पे, यहाँ से आपको बाहर निकलने का रास्ता है। देखो आपको अंदर दिखा दो, ये देखो कुछ इस तरीके से है, बहुत ही हैवी हैवी दरवाजा है। यहाँ पे देखो लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो आप लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे ना हमारे साथ है। ये देखो पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए बहुत सुंदर लगा। और ये देखिए पीछे का दरवाज़ा, कितना बड़ा दरवाज़ा है। तो यहाँ से आपको बाहर निकलने का रास्ता, मतलब पीछे आप जो रास्ता देख रहे हैं ना, आपको वहाँ से बाहर निकलने का, बाहर जाने के लिए आएंगे कुछ इस तरीके से। तो बहुत सुंदर दर्शन हुए हमारे, और आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी कि आप लोगों को भोलेनाथ जी के अंदर दर्शन नहीं करा पाए, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, इवन हम लोगों ने भी फ़ोटो नहीं क्लिक किया। और यहाँ से शुरू होती है हमारे गंगा जी का दर्शन, गंगा मैया का घाट है। रात का नज़ारा आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, कुछ इस तरीके से नाव के ऊपर सभी श्रद्धालु बैठे हुए हैं, और ये इस पार से उस पार जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ इस तरफ है मणिकर्णिका घाट, ये है पूरे वाराणसी का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा शमशान घाट। यहाँ पर ऐसी एक भी दिन नहीं जाता। हमारे पीछे डेड बॉडीज जलाई जाती है, मणिकर्णिका घाट है, बहुत ही पवित्र घाट है ये वाराणसी का। ये सारी राखें हैं डेड बॉडीज की होती है, इस किनारे पे नहीं नहाने दिया जाता है।